नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नवरात्रि का त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की सेवा करके और कुछ विशेष उपायों को करके आप बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्यक्ति अगर अपने से किसी दूसरे व्यक्ति को इन दिनों में दे दें तो उसे कंगाली का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपको नवरात्रि के दौरान किसी को देने से बचना चाहिए, क्योंकि आप खुद अपनी ही जमा पूंजी को किसी दूसरे के हवाले कर रहे हैं। ऐसा करने से आप तो कंगाल होंगे ही, लेकिन जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, क्या पता वो उसके जीवन में उसे बुलंदियां प्रदान कर दें और उसका आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल पाए, यानी आपको मिलने वाली सफलता कोई और व्यक्ति लेकर चला जाए। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में इन चीजों को आपको दूसरों को देने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा सदैव अपने भक्तों पर खुश रहती है। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो इसके परिणाम के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अगर सबसे पहले किसी चीज की बात करें तो वो है धन, यानी कि रुपया पैसा। नवरात्रि के दिनों में आपको किसी से उधार लेने और उधार देने से बचना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी एक ही रूप माने जाते हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में अगर आप अपने घर से लक्ष्मी को बाहर करते हैं तो वो आपके घर लौटकर नहीं आती है, बल्कि इन 9 दिनों में तो लक्ष्मी यानी कि धन की पूजा होती है। तो भूलकर भी इन दिनों में आपको किसी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। याद रखें दोस्तों, अगर किसी को इमरजेंसी है तो आप उसको धन की मदद कर सकते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में आपको उधार लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दिनों में अगर आप कर्ज लेते हैं तो उसको चुकाना बहुत ही मुश्किल होता है और वो कर्ज दिन दुगुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में कर्ज लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर दूसरी किसी चीज की बात करें तो वो है पूजा पाठ करने की वस्तुएं। दोस्तों, मंदिर के अलावा आपको कहीं भी पूजा पाठ की वस्तुएं दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन अपने घर पूजा पाठ और धार्मिक माहौल बनाने के लिए भगवान की सेवा करने के बहुत ही शुभ अवसर माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन दिनों भगवान का मोह छोड़कर धन का मोह कर लेते हैं और भगवान से जुड़ी हुई चीजें किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो आपको नकारात्मकता घेर लेती है, क्योंकि आप खुद ही अपने ही हाथों से सकारात्मक चीजें किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता है और जिस व्यक्ति को ये दे रहे हैं उसके घर ही अपने आप चले जाते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगले चीज की बात करें तो वो है झाड़ू। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का कभी भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। अगर आप झाड़ू का दान करते हैं तो आप लक्ष्मी जी को अपने घर से किसी अन्य जगह भेजने का काम करते हैं। इसी कारण झाड़ू का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। लेकिन आप नवरात्रि के दिनों में झाड़ू को किसी मंदिर में रख सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी झाड़ू का दान देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगली चीज है ज्वेलरी, यानी कि सोने चांदी की वस्तुएं। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि में किसी को ज्वेलरी गिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इन 9 दिनों के बाद ही देनी चाहिए। नवरात्रि में ऐसा करने से आप अपने ही घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के घर भेजने का काम करते हैं। अगली चीज है घड़ी। दोस्तों, घड़ी हमारे अच्छे और बुरे समय का निर्धारण करती है। आप जो घड़ी उपयोग करते हैं उसे अगर आप नवरात्रि में किसी को देते हैं तो इसका आप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के दिनों में किसी को घड़ी देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हम अपने समय का निर्धारण स्वयं करते हैं
और किसी को घड़ी देने से हमारी सकारात्मकता उस घड़ी के साथ चली जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपको काले कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। दोस्तों, काले कपड़े को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में दान करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है और दान करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। लेकिन दान हमेशा सही चीजों का ही करना चाहिए। अगर आप काली वस्तु का दान करते हैं तो नकारात्मकता आपको घेर लेती है और सकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दान का उचित फल प्राप्त नहीं हो पाता और आपके द्वारा किए गए कार्य व्यर्थ ही चले जाते हैं। इसी कारण नवरात्रि के दिनों में काले कपड़ों या फिर काली चीजों का दान करने से बचना चाहिए। इसी तरह नवरात्रि के दिनों में कुछ चीजें किसी से लेनी भी नहीं चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से है रुमाल। दोस्तों, किसी का भी रुमाल उस व्यक्ति का पर्सनल होता है और उस रुमाल में उस व्यक्ति की सकारात्मकता या फिर नकारात्मकता होती है। अगर आप किसी व्यक्ति का रुमाल लेते हैं तो उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता के दोषी आप स्वयं ही होते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी व्यक्ति का रुमाल नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज है पेन। पेन भी व्यक्ति की सकारात्मकता और नकारात्मकता से जुड़ी हुई वस्तु होती है, तो आपको नवरात्रि के दिनों में किसी का भी पेन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को नवरात्रि के दिनों में इस्तेमाल की जाने वाली सुहाग की वस्तुएं किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लेने वाले को तो नुकसान पहुंचता ही है, बल्कि आप स्वयं भी बिना किसी कारण के एक छोटी सी गलती और भूल से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसी सौभाग्य वाली चीजें कभी भी किसी को देने से बचना चाहिए, ताकि इन नवरात्रि के दिनों में आपको शुभ परिणाम देखने को मिले और आपके सभी काम आसानी से बन जाएं, आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।